लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें तो इट्स जस्ट बेटर अबाउट देम. दे फील अपना कोई बाहर गया है एंड देन दे रिएक्ट टू दैट सिचुएशन. पता नहीं जब आएगा शो तब आप देख लीजिएगा. ऋत्विक, तनुज, बोथ आर माय फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आई एम हियर टू सपोर्ट देम. और आई एम श्योर इट्स अ गुड शो. इट्स एन ऑल्ड बालाजी शो. इट इज गोना बी शोन ऑन एमएक्स प्लेयर ऑल्सो. तो मैं चाहूँगा लोग देखें. एक शो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एक्टर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो उनको वही चाहिए होता है कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस जुड़े शो से उतना यू नो इट्स बेटर फॉर द एंटायर टीम, यू नो. एंड जब काम अप्रिशिएट होता है तो और भी अच्छा लगता है. आई एम श्योर देव डन अ ग्रेट जॉब एंड आई एम हियर टू सपोर्ट देम. अच्छा, आपसे क्विकली जाना चाहूँगी, खतरों की बात होगी तो जहाँ पे आप हैं तो थोड़ा सा पूछना बनता है. महक रिसेंटली एलिमिनेट हो गए, क्या कहेंगे? जब भी कोई एलिमिनेट होता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, फैंस जो है वो पूरी तरह से टूट पड़ते हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स के ऊपर. You know, it's fair. You know, I feel ki theek hai. You know, everybody has their fans and they are very, they love their, heroes or heroines and they are possessive about them. They feel apna koi bahar gaya hai. And then they react to that situation. Sometimes the reaction is a little loud. Sometimes it's not correct. But, it's a space, it's a platform, social media, jahan par सबको हक है अपनी अपनी बात रखने के लिए. मुझे सिर्फ ये लगता है कि थोड़ा लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें तो इट्स जस्ट बेटर फॉर एवरीबडी. आई थिंक इट्स जस्ट अनफेयर फॉर अदर एक्टर्स. चाहे वो मैं, इसलिए ऑलवेज टेल माय फैंस कि प्लीज़ डोंट यूज़ एनी लैंग्वेज और इफ़ समवन सेज एनीथिंग जस्ट इग्नोर इट. यू नो, डोंट हैव टू गेट इनटू दीज वॉर्स एंड ऑल. वी ऑल आर फ्रेंड्स एंड वी ऑल वर्क इन द सेम इंडस्ट्री. वी ऑल वर्क वेरी हार्ड. समटाइम्स वी आर पुट थ्रू सिचुएशंस that we also don't want to be in, and you know, we just have to make decisions, and that's what it makes the show interesting. It just the format of the show, you know, and it's okay as long as they are engaged, as long as they love us for who we are, what we do. That's what matters, and that's what I always look at, the positive side. So that's what keeps me going towards my goal. रिसेंटली आपने प्रोमो शेयर किया था जो काफ़ी BTS, आपने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था उसको शूट करने में, पेड़ पे चढ़ रहे और वो सब सारी चीज़ें. क्या अभी भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो व्यूवर्स को पता चलना बाकी? बहुत सारी अभी रियलिटी है जो हमने यू नो शो पे की है, जो बहुत मस्ती की है. उस पेड़ पे भी एक पॉइंट पे मैं और राहुल अटक गए थे, हमारा पैर अटक गया था, तो नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो गया था. तो द रियलिटी टीम, हम लोग ऊपर लटके थे एंड दे एक्चुअली गॉट अ ड्रम ताकि हम अपना पैर निकाल के रख सके, वरना वी कुड हैव जस्ट फॉलन एंड ब्रोकन आवर लेग फॉर श्योर. ओके, लास्टली जाना चाहूंगी, बिग बॉस 15 को लेकर आपकी काफी चर्चा हो रही है, क्या वाकई में अर्जुन जाने वाले हैं बिग बॉस 15 में? पता नहीं, जब आएगा शो तब आप देख लीजिएगा.